नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो कि बिल्कुल मुफ्त है। जुलाई 1986 को मुंबई के एक हॉस्पिटल में एड्स के पहले मरीज के मौत हुई थी। अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है। एक भारतीय अभिनेत्री की मौत भी इस बीमारी की वजह से हुई थी। मामले ने मीडिया का काफी ध्यान खींचा था। आज हम आपको ऐसे ही कुछ मशहूर लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मौत एड्स की वजह से हुई थी। 80 के दशक में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस निशा नूर के साथ रजनीकांत और कमल हासन जैसे बड़े स्टार्स भी उनके साथ काम करना चाहते थे। उस समय में निशा ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें एक प्रोड्यूसर ने प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया था, जिसके बाद बदनामी के कारण उन्होंने हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी। इसके कई सालों बाद सड़क पर बुरे हाल में मिली थी निशा। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया तो पता चला कि उन्हें एड्स था। 2007 में निशा जिंदगी की जंग हार गई। एक लीडिंग वेबसाइट के मुताबिक जब निशा को नागौर की दरगाह के पास पड़ा पाया गया तो उनके शरीर पर कीड़े और चींटियां रेंग रहे थे। अमेरिका में जब होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम माना जाता था तब पाब्लो ऐसे शख्स थे जिन्होंने खुलकर अपने गे होने पर बात की थी। पाब्लो और उनके गे पार्टनर सीन सस्सेर से ग्रस्त थे। उनकी मौत 11 नवंबर 1994 में हुई। इस अमेरिकन मॉडल ने दुनिया के टॉप ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की थी। मात्र 26 साल की उम्र में गुजरने वाली इस मॉडल को एड्स था। इन्हें ड्रग्स की लत लग गई। न्यूमोनिया की वजह से इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया जहां डॉक्टर्स ने इनकी बॉडी में एचआईवी वायरस पाया। इसके कुछ समय बाद इनकी मौत हो गई। अमेरिका के महान टेनिस प्लेयर आता पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने यूएस डेविस कप में टीम का नेतृत्व किया और यूएस विंबलडन भी जीता। एड्स के बारे में पता चलने के बाद आथा ने लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए। 1993 में बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई थी। अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी मशहूर थे। उन्हें अपने एचआईवी पॉजिटिव होने की बात 1983 में पता चली। इसके 2 साल बाद बीमारी से लड़ते हुए इनकी मौत हो गई।